नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति अवस्थी। त्रिपुरा के नए सीएम के तौर पर बिप्लब देव ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। बिप्लब देव के शपथ लेने के बाद उनकी पत्नी नीति देव बेहद खुश हैं। नीति देव एसबीआई में ऑफिसर हैं। पति के सीएम बनने पर जी मीडिया से बातचीत में उन्होंने क्या कहा, अब आप वो देखिए। हमारे साथ फिलहाल जुड़ रही है नीति देव, लेकिन अब उनके साथ एक और पहचान जुड़ गई है। वो पहचान है मुख्यमंत्री बिप्लब देव की पत्नी। अब आपकी आइडेंटिटी में एक और अंश जो है वो जुड़ चुका है। अब लोग आपको मुख्यमंत्री की पत्नी के तौर पे भी जानेंगे। कितना कुछ बदला है आपकी ज़िंदगी में? देखिए, बिल्कुल मैं बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ कि त्रिपुरा की जनता का जो प्रेम बिप्लब जी को मिला, उसकी वजह से आज मुझे यहाँ पे जाना जा रहा है। बाकी जहाँ तक एक महिला होने के नाते जो मेरा अस्तित्व है वो तो वही रहेगा, लेकिन मेरा दायित्व बढ़ जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा जो मुझे परिवार मिला है उसके संरक्षण का जिम्मेवारी इनके साथ साथ जो मुझ पर आया है। मैं सिर्फ भगवान से यही कामना करूँगी कि उसे पालन करने की शक्ति मुझे दे। मैम, आपसे जानेंगे, क्योंकि हम काफ़ी बिप्लब देव से पॉलिटिक्स रिलेटेड प्रश्न करते हैं, राजनीति के से जुड़े हुए या त्रिपुरा से जुड़े हुए, आपसे हम अलग सवाल करते हैं। बिप्लब देव घर पे पति के तौर पे कैसे हैं, आप बताएं? पति के तौर पे पति जैसे ही हैं। बच्चों के पिता हैं, लेकिन कार्य में थोड़ा व्यस्त रहते हैं। हमें कम समय मिलता है आपस में बैठने का, बात करने का, लेकिन जो भी समय मिलता है हम कोशिश करते हैं कि उस समय को अच्छे से उपयोग में लाएं, अच्छे से फैमिली इकट्ठा मिलके बात करें, क्योंकि वो काफ़ी व्यस्त रहते थे इन दिनों। 3 साल में मुश्किल से ही दिल्ली उनका जाना होता था, मैं और बच्चे दिल्ली रहते थे, तो एक दिन एक रात के लिए भी आते तो हम कोशिश करते थे कि सारे एक साथ बैठ के एक अच्छा समय बिताएं, ताकि 1-1.5 महीना फिर उन्हीं यादों में निकल जाए। आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि शायद ये सवाल आपसे कोई नहीं करेगा, हम कर लेते हैं, कि आपकी लव मैरिज हुई थी या अरेंज मैरिज? क्योंकि सर को हमने देखा है कि बड़े इंट्रोवर्ट से हैं, वो कम एक्सप्रेस करते हैं, तो आप बताएं कि कैसे हुई आप लोगों की शादी? मेरी लव मैरिज थी, हाँ। और एक्चुअली थोड़ा सा स्ट्रेंज है, क्योंकि पहले उन्होंने मेरे पास प्रपोजल प्रॉपरली शादी के लिए ही भेजा था। हमारी मुलाकात पहले हुई और फिर शादी का प्रपोजल आया, ऐसे नहीं था। उन्होंने मेरे कलीग के थ्रू, जो मेरे सीनियर कलीग थे, उनके थ्रू शादी का ही प्रपोजल मुझे भेजा था। हम एक दूसरे को जानते थे, वो एज़ वो काम से आते थे और मैं कार्यरत थी बैंक में, संसद में, सौद में, तो वो आया करते थे, तो जान पहचान थी। फिर अचानक से मेरे कलीग, मेरे जो बड़े कलीग थे, वो एक दिन मेरे पास आए और बोला, जो गुड़िया कहा करते थे, मैं सबसे छोटी हुआ करती थी वहाँ, कि गुड़िया तुमसे एक बात करना है, तुम्हारे लिए तो एक रिश्ता आया है, तो ऐसे से मुझे बताया। मेरी बाकी जो बड़ी कलीग्स थी, जो महिला कलीग्स थी, उनको भी बताया, बैठ के चर्चा हुई, हम मिले, हमारी बात हुई, बात काफ़ी लंबी बात हुई। मुझे उनकी सोच बहुत पसंद आई, उनकी जो महिला के प्रति सोच थी, उनकी जो आगे फैमिली को जिस तरह से चलाने की सोच थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्हें कुछ नहीं चाहिए था, सिर्फ एक अच्छी सहधर्मिनी चाहिए थी, और मेरा भी वही था, क्योंकि मैं खुद भी कार्यरत थी, संयम अपने उस पर थी कि मैं अपना सब कर सकती हूँ, तो मुझे भी एक अच्छे जीवन साथी का चयन करना था, तो हमें अच्छा लगा। फिर हमने शादी का प्रपोजल जब रखा तो मेरी माता जी ने उसे ठुकरा दिया। अच्छा। क्योंकि मैं पंजाबी ब्राह्मण हूँ और उनके लिए बिल्कुल बंगाल बहुत ऑपोजिट था, तो उन्होंने उस प्रपोजल को ठुकरा दिया, तो फिर हमें काफ़ी तकलीफें थोड़ी सी हुई। फिर हम दोनों ने अपनी शादी का निर्णय खुद करके आर्य समाज मंदिर में